हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 35 साल से। आज का विषय मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, डॉक्टरों के ऊपर हमला, जिम्मेवार कौन? क्या होता है कि डॉक्टर जो व्यक्ति बनता है ना, वो कम से कम 12th स्टैंडर्ड के बाद में, 10 से 12 साल पढ़ाई करने के बाद में वो प्रैक्टिस शुरू करता है या नौकरी पे लगता है। उसका एक कल्चर बनता है, वो एक सॉफ्ट टारगेट है। वो ऐसा कोई वायलेंस और अग्रेशन इसमें बिलीव नहीं करता, उसका एजुकेशन ही वैसा होता है। और फिर होता क्या है कि लोग जो आते हैं उनके तरफ पेशेंट लेके, तो वो कहाँ के होंगे, उनका एजुकेशन क्या है, कुछ पता रहता नहीं है। और उनको मालूम है कि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है, कुछ करेगा नहीं। और कुछ भी हो गया पेशेंट को तो डॉक्टर के ऊपर हमला होता है। देखो, मेरे पास में एक पूरी लिस्ट ही है कि ये लिस्ट में पिछले कुछ महीनों में डॉक्टरों के ऊपर कहां कहां हमला पेशेंट के रिलेटिव्स ने किया। KM हॉस्पिटल में 22 साल का लड़का, उसको पकड़े गया क्योंकि उसने ऊपर, मतलब डॉक्टरों के ऊपर हमला किया। 2016 की बात है, मुंबई में। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा हो गया कि कुछ लोग आए, उनको जल्दी से जल्दी इलाज करना था उनके रिलेटिव के ऊपर, और वो गन लेके डॉक्टर के आंग के ऊपर चले गए कि जल्दी इलाज करो। डॉक्टर रोहन मामुनकर का तो पता ही है, धुले सिविल हॉस्पिटल में, कि बहुत ही बुरी तरह उसकी पिटाई हो गई, उसको मारा गया और मॉब एकदम आ गया उनके आंग के ऊपर और उनको बहुत, मतलब बहुत बुरी तरह उनको मारा गया। फिर नासिक सिविल हॉस्पिटल में 3 लोगों के ऊपर, एक ट्रेनी डॉक्टर, एक मेडिकल ऑफिसर, एक स्टाफ नर्स, उनके ऊपर हमला किया गया क्योंकि पेशेंट उनका उनकी डेथ हो गई, पेशेंट के मर गया करके। डॉक्टर रोहित थातेड़, पोलियो अफेक्टेड डॉक्टर है, वो सायन हॉस्पिटल में, उसके ऊपर हमला किया गया क्योंकि एक 60 साल का किडनी डिजीज का पेशेंट जो है, उसके जीवित को धोखा हो गया, वो मर गया, तो उसके लिए उसके ऊपर हल्ला हो गया। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, वहां एक ऑर्थोपेडिक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के ऊपर पिछले कुछ महीने में हमला हुआ। फिर कार मेडिकल कॉलेज, RJ कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में, पेशेंट के रिलेटिव ने हमला किया क्योंकि पेशेंट मर गया करके, और नाइट के जो डॉक्टर थे उनके ऊपर हमला किया गया। डॉक्टर निहार देसाई, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट, सायन हॉस्पिटल, उसके ऊपर कुछ महीने पहले हमला किया गया क्योंकि एक हार्ट का पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई। नांदेड़ हॉस्पिटल में एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के ऊपर हमला किया गया, और वो उसके ऊपर 3 लोग एकदम आके टूट पड़े, उसको हमला किया, उसको मारा, मतलब उसके ऊपर असॉल्ट किया गया। एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर केरला में, 2016 में, 2016 की बात है, प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर थी, उसके ऊपर हमला किया गया। अभिषेक सिंह करके SSKM हॉस्पिटल कोलकाता का है, तो ये जो जूनियर डॉक्टर है उसके ऊपर 30 लोगों ने हमला किया। एक जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी में एक संत है, वहां के मैनेजिंग कमेटी में, उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हमला किया। ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट एक क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था, उसने डॉक्टर के ऊपर हमला किया। तो ऐसे कितने सारे इंसिडेंट, मेरे पास में पूरी लिस्ट ही है, ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हुए कि जिसमें डॉक्टर लोगों के ऊपर पेशेंट के रिलेटिव्स ने हमला किया। अब हमें यह देखना है कि ऐसा क्यों होता है और इसलिए जिम्मेवार कौन है। क्या होता है कि डॉक्टर और पेशेंट्स के रिलेटिव्स और पेशेंट, इनके बीच में एक बहुत बड़ी दरी अभी तैयार हुई है। डॉक्टर, मैंने पहले बताया, सॉफ्ट टारगेट है, खुद होके कुछ करेगा नहीं। डॉक्टर कम्युनिटी एज सच करके कुछ करेगी नहीं, डिवाइडेड है, एक साथ जुटेगी नहीं। मतलब एक बार यदि बंद पुकारा गया डॉक्टर के एसोसिएशन ने, तो पूरे डॉक्टर दवाखाना भी एक एक साथ में बंद करेंगे नहीं। तो डॉक्टर कम्युनिटी डिवाइडेड है, डॉक्टर कम्युनिटी, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट कुछ भी करते हैं, सर मालूम है उनको कुछ नहीं होगा। तो पेशेंट के जीवित को धोखा हो गया तो डॉक्टर के ऊपर हमला करना, हॉस्पिटल की तोड़फोड़ करना, या झूठी कंप्लेंट लिखवाना, पुलिस के ऊपर दबाव डाल के डॉक्टर के ऊपर, मतलब आरोप दाखिल करना, या मतलब FIR दाखिल करना, आरोप पत्र दाखिल करना, और डॉक्टरों का नाम लेकर उन्होंने गलत किया या उन्होंने इलाज नहीं किया, ऐसा करना पुलिस के ऊपर दबाव डाल के, ये होता है। और फिर इसलिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बहुत बड़ी दरी तैयार हो रही है। क्या होता है कि प्राइवेट डॉक्टर तो अभी रात को पेशेंट लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि रात को एक तो पेशेंट आया तो पता नहीं रिलेटिव्स कौन सी अवस्था में है। बहुत बार तो ऐसा होता है मेरी प्रैक्टिस में, अभी साइकेट्री प्रैक्टिस में, कितने बार तो ऐसा होता है कि रिलेटिव्स अल्कोहल, शराब लेके आते हैं। वो रिलेटिव पेशेंट है कि वो पेशेंट कौन है, मतलब इसमें मेरे को कभी कभी तकलीफ होती है जानने में कि पेशेंट कौन है भाई, क्योंकि रिलेटिव भी ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसा वो वायलेंट है।
रात को आने के बाद में हॉस्पिटल में कभी ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए, इसलिए डॉक्टर ना बोलता है, या वो डॉक्टर उसका स्पेशलिस्ट नहीं है करके वो ना बोलता है, तो उसके ऊपर हमला किया जाता है। अरे भाई वो हॉस्पिटल में मतलब वो वैसी सुविधा ही नहीं है पेशेंट को इलाज करने, इसलिए ना बोलता है, या हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, या डॉक्टर को लगता है कि सीरियस पेशेंट है इसको और हायर सेंटर में रेफर करना चाहिए, वहां भेजना चाहिए करके वो ना बोलता है। मगर पेशेंट्स के रिलेटिव्स वहां कुछ नहीं सोचते, वो सीधा अटैक करना ही जानते हैं। इसमें हुआ क्या है कि डॉक्टर फिर समझो भर्ती भी किया, दाखिल भी किया, एडमिट भी किया, तभी डॉक्टर ये देखते हैं कि भाई नहीं इसकी पूरी जांच कर लो, क्योंकि कल कुछ कम ज्यादा हो गया तो अपने पास में सब इन्वेस्टिगेशन तैयार होना, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि कुछ भी होगा तो भी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इतना वो वायरल हो जाता है, तो हर एक को ऐसा डर है, और डर के अंदर डॉक्टर लोग काम करते हैं कि नहीं भाई कुछ हो गया तो अपने पास में इन्वेस्टिगेशन पूरे होना। तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को पूरे इन्वेस्टिगेट मतलब पूरा पेशेंट का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ताकि डॉक्टर अपनी बाजू सेफ करना चाहता है, कल कुछ हो गया तो भाई अपनी बाजू सेफ होना। तो कभी अभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, क्योंकि समझो चेस्ट पेन हो गया, अब चेस्ट पेन में मेरे पास में रात को कोई पेशेंट आ गया तो मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूं, मगर चेस्ट पेन भी मेरे पास में लोग लाते हैं, रात को कुछ गड़बड़ हो गया आजू बाजू वाले लोग लाते हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ उसको अटैक हो गया होगा या कुछ मतलब माइकल इन्फेक्शन है, दिल का दौरा है, तो नहीं भाई उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी, रात में कुछ कम ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट के जीवित को कुछ हो गया तो हमला हो जाएगा या कुछ डॉक्टर के ऊपर दोषारोप, डॉक्टर देखते कि नहीं अपनी बाजू सेफ करो। फिर इसमें नुकसान किसका है, इसमें नुकसान ये हो रहा है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी कोई रिस्क लेना ही चाहता नहीं, कोई रिस्क लेगा नहीं अभी, और फिर थोड़ा भी हो गया तो फिर लोग बोलते कि नहीं नहीं डॉक्टर फजूल हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं, वो फजूल नहीं है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट ही बोलते कि नहीं भाई हमारा पूरा टेस्ट कर लो हम तैयार है। फिर सवाल आता है कि भाई ये जब ऐसा पेशेंट बोलते कि हमारा पूरा टेस्ट कर लो हम तैयार है, और जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा कि जो कूल पेशेंट है और कोल्ड पेशेंट है वो तो डॉक्टर के पास में मतलब डॉक्टर इज ए सेकंड कंसल्टेंट, पहला कौन है गूगल, तो एजुकेटेड लोग तो गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं हमको क्या तकलीफ हुई इसके ऊपर दवा कौन से, फिर डॉक्टर के पास में आएंगे और बोलेंगे चलो अभी बोलो क्या करना है। तो ऐसे इसमें डॉक्टर एक रिसीविंग साइड में रहता है, और स्पेशली रात में ज्यादा होता है, मतलब रात में हमले ज्यादा होते हैं। एक बार भी ऐसा हमला हो गया हॉस्पिटल के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर इंजोर हो गया, तो डॉक्टर को मानसिक आघात हो जाता है, डॉक्टर को खुद को इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो आगे चल के इतना वो डिस्टर्ब हो जाता है कि एक बार ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो जाए, मतलब भाई हमको वो उसका सामना ही ना करना पड़े, ताकि डॉक्टर इतने ओवर कॉशियस हो गए अभी। तो फिर उसमें होता क्या है कि सब ऐसा तो है ही, मतलब ये तो सब पेशेंट्स उनके रिलेटिव करते ही है, अब और एक डॉक्टर के ऊपर आरोप होता है कि भाई इनके पेशेंट की मतलब डॉक्टर की फी ज्यादा है, ज्यादा फी लेते हैं। अब ज्यादा फी किसको बोलेंगे आप, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो है, अब हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर एक क्या बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक 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 मतलब एक कोर्स करने के लिए कम से कम 1 से 2 लाख रुपए वो लेते हैं एक कोर्स करने के लिए, या कुछ काउंसिलिंग है उसमें भी 1 से 2 लाख रुपए लेते हैं, 3 घंटे का 4 घंटे का प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम में समझो हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी फी 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख होती है। यदि मोटिवेशनल स्पीकर मैं मेरे हॉस्पिटल में बुलाऊंगा या कोई कॉर्पोरेट में जाता है मोटिवेशनल स्पीकर, या एक दिन का कोई प्रोग्राम लेता है पब्लिक का, तो 5 से 6 लाख रुपए वो उसकी फी चार्ज करता है। तो डॉक्टर की फी ज्यादा है ऐसा तो बोलना मुश्किल है, फिर फी ज्यादा किसको बोलेंगे आप, 200 रुपए भी होती है, 1000 भी होती है, क्योंकि वो उसका इंटेलेक्ट बेचता है, मतलब बुद्धि इंटेलिजेंस वो है ना वो बेचता है उसकी। और डॉक्टर जब तक काम करता है मतलब जब तक वो काम करेगा जितना समय काम करेगा उतना समय का उसको पैसा मिलता है, वो उसकी बुद्धि देता है उसका समय देता है और उसके एक्सचेंज में उसको पैसा मिलता है, तो ज्यादा पैसा लेता है ये बोलना ही गलत है कि भाई ज्यादा पैसे हो जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ही ऐसा बोला हुआ है कि अभी ये प्रोफेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला ये बिजनेस है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल जब चालू करता है ना कोई डॉक्टर तो वहां शॉप एक्ट लगता है, वहां सब प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, इवन कंज्यूमर फोरम में भी डॉक्टर के खिलाफ अभी पेशेंट जा सकता है। कंज्यूमर में क्या है कि कंज्यूमर मतलब गिराई और मालक या बेचने वाला, बेचवाल या लेवाल, तो कंज्यूमर मतलब पेशेंट ये कंज्यूमर है ऐसा गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। शॉप एक्ट का लाइसेंस है, कॉरपोरेशन का लाइसेंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी एम्प्लॉयज नहीं बढ़ती है, इनकम टैक्स है, फिर बायोमेडिकल वेस्ट
उसकी फी देनी पड़ती है। कितने, कम से कम 15 या 16 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस और लाइसेंस मिला के डॉक्टरों को वो रखना पड़ता है, उसका सब डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक अभी गवर्नमेंट बोलती है कि बिजनेस है, कोई भी हॉस्पिटल बोलते बिजनेस है। और डॉक्टर मैंने बताया कि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी इंस्पेक्टर, अभी तो इंस्पेक्टर राज है, कोई भी इंस्पेक्टर आ जाता है और वो चेक करना चालू कर देता है हॉस्पिटल। तो उसको एम्प्लॉयज कितने हैं, मतलब मैनेजमेंट साइड भी डॉक्टर को देखनी है, पेशेंट की साइड भी डॉक्टर को देखनी है, पेशेंट की केयर भी करने की है, और इधर लोगों ने बोला कि नहीं डॉक्टर ज्यादा फी लेता है, ये कहीं बैठता नहीं है। कैसे बैठेंगे, क्योंकि जब ये बिजनेस बोला गया कि ये हॉस्पिटल जो है ये बिजनेस है, और सब तरह के टैक्सेस डॉक्टर के ऊपर लगाए हुए, डॉक्टर को फ्री हैंड नहीं है अभी। पहले कैसा था, पहले डॉक्टर भगवान था, डॉक्टर ने किया वो फाइनल था, डॉक्टर के ऊपर कोई हमला नहीं होता था, डॉक्टर के ऊपर कोई केसेस नहीं होती थी। आज कहीं भी जाओ डॉक्टर के ऊपर काफी सारी केसेस चालू है, क्योंकि डॉक्टर उससे भी वो भी करना नहीं चाहता, मतलब डॉक्टर कोई पेशेंट के खिलाफ जाएगा नहीं, पुलिस स्टेशन में जाएगा नहीं, तकरार करेगा नहीं, मतलब कोई कंप्लेंट करेगा नहीं। कितने सारे पेशेंट ऐसे है कि बिल देने के समय वो प्रॉब्लम कर देते हैं, बिल देते नहीं है लोग, मतलब ऐसा होता है कि जब मेरे पास में पेशेंट आता है तो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स उस समय हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, भगवान है डॉक्टर, आप बस कैसा भी करो जान बचाओ, इसको इसका इलाज करो, ऐसा बोलते हैं। एक बार पेशेंट का इलाज हो गया और छुट्टी का टाइम आ गया तो जो पहले भगवान रहता है वो छुट्टी के समय वो दुश्मन बन जाता है, क्योंकि अभी वो पैसा मांगता है, और हर एक का ये रहता है कि नहीं डॉक्टर ने पैसा मांगना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने पैसा कम करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऐसी कोई प्रोविजन नहीं। लोगों के पास में ये प्रोविजन है कि अपने को महीने में दूध लगता, महीने में किराना लगता है, गेहूं लगता है, चावल लगता है, बाकी सब, मतलब बाकी सब चीजें लगती है उसको, उसको पिक्चर जाना है, उसको होटलिंग करना है, उसके लिए सब उसको पैसा है। डॉक्टर लोगों के लिए, मतलब अपने बीमारी के लिए उसने कोई पैसा निकाल के रखा नहीं, इंश्योरेंस का होगा इतना ही। तो फिर ये खर्चा आ गया कि पेशेंट को बहुत ही जान पे आता है पैसा खर्चा करने के लिए, और डॉक्टर जब बिल मांगता है तो वो भगवान नहीं वो दुश्मन हो जाता है। ऐसे सारे इसमें फिर एक तो डिनायल ऑफ एडमिशन, मतलब डॉक्टर बोलता है कि भाई मेरे पास में एडमिशन अभी ये होंगी नहीं, मैं इसका इलाज करूंगा नहीं, मेरे पास में फैसिलिटीज नहीं है, या मेरे पास में इतनी कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि भाई मैं सिक्योर्ड करूं पेशेंट को, या मतलब उसकी केयर में ले सकता नहीं, इसलिए वो ना बोलता है और फिर उसके ऊपर हमला किया जाता है। अभी ये मैंने इसलिए वीडियो तैयार किया कि भाई पेशेंट लोगों का इसमें प्रबोधन हो, एजुकेशन हो, क्योंकि इसमें पेशेंट का ही नुकसान हो रहा है। रात में कोई पेशेंट आ गया तो डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं अभी इलाज करूंगा नहीं, मेरे से होता नहीं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, हमारे मित्र मजाक मजाक में बोलते कोई अलग अलग सिटीज के, कि कभी रात को हार्ट का पेशेंट, हार्ट का मतलब दिल का दौरे वाला पेशेंट आ गया ना, और कहीं फोन करूं ना तो फिजिशियंस बोलते हैं, मतलब उनके यहाँ फोन गया तो कोई फोन उठाता नहीं है, और किसने कोई फोन उठाया तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं, डॉक्टर बीमार है। क्यों? क्योंकि उनको फ्री नहीं लगता है कि रात को किसका इलाज करे और कुछ हो गया तो भाई अपने अपने जान को खतरा हो जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पेशेंट लोगों का हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गई, और दूसरा रात को पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर अल्टीमेटली कितना भी पेशेंट अमीर रहो, अफोर्डेबल रहो, उसको जाना पड़ता है बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जहां फिर स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल रात को भी रहेगा नहीं, वहां जूनियर डॉक्टर इलाज करेंगे, या फिर वो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां इतना ज्यादा बर्डन है काम का कि वहां फिर केयर कितनी होगी पता नहीं। तो मेरा ये लोगों को सलाह है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों ने शांति से लेना चाहिए। डॉक्टर लोगों को यदि आप बोलते कि नहीं डॉक्टर लोगों को जब रात को पेशेंट ले जाते हैं तो नहीं भाई कुछ होगा नहीं, यदि डॉक्टरों को सिक्योरिटी है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये कुछ हमला नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पेशेंटों को कुछ भी होगा तो भी कुछ होगा नहीं, यदि डॉक्टर को एश्योरेंस रहा तो एक फ्री हैंड से डॉक्टर उसका इलाज करना मतलब कर सकेगा, और फिर इसमें पेशेंट का ही फायदा है, क्योंकि डॉक्टर शांति से, यदि डॉक्टर के पीछे रहे, डॉक्टर को बहुत प्रेशराइज किया, डॉक्टर को डर है, तो इसमें पेशेंट का इलाज भी अच्छा होगा नहीं, पेशेंट रेफर किया जाएगा या फिर काफी सारे इन्वेस्टिगेशन करो, डॉक्टर अपनी सेफ्टी देखेगा। तो मेरे ऐसे सबसे रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक डॉक्टर को सेफ स्पेस दे दो, एक ऐसी जगह दो कि जहां मतलब सेफ स्पेस मतलब ऐसी कि ऐसा वातावरण निर्मित करो कि नहीं भाई हम आपके साथ में हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने यहां पेशेंट को मरने देगा नहीं, कोई चाहता नहीं कि अपने यहां पेशेंट मरना चाहिए करके, पेशेंट सीरियस रहता है। मैं समझ सकता हूं कि रिलेटिव्स बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके उनके रिलेटिव की डेथ होना चाहिए या पेशेंट की डेथ होना चाहिए, नहीं चाहते वो, और होती है, तो उसके लिए
जितने डॉक्टर जवाबदार है ऐसे लोगों को लगता है, मैं समझता हूं कि रिलेटिव भी जवाबदार है, दोनों ने जवाबदारी से काम किया तो पेशेंट का इलाज सस्ते में अच्छा और सही तरीके से हो सकता है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि पब्लिक को, आम जनता को इसमें एजुकेशन मिलना चाहिए। और डॉक्टर लोगों को यदि सेफ एंड फ्री हैंड देंगे वो, तो पेशेंट लोगों का फायदा होगा, ऐसी मेरी नम्र विनंती है। मेरा चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा हॉस्पिटल अकोला में है कि जहाँ हम मतलब बिना रिलेटिव के पेशेंट हम रखते हैं, कि जहाँ रिलेटिव हमारे पास में रहते नहीं है पेशेंट के पास में, वहाँ हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ हम इलाज करते हैं। दूसरा एक हॉस्पिटल है कि जहाँ हम विद रिलेटिव पेशेंट को रखते हैं। व्यसन मुक्त भारत और हरेक को मानसिक स्वास्थ्य, ये हमारा मिशन है, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।